गाने समय मैम कोई 1400 के आसपास है, 1400 और कोई सिंगर ऐसा नहीं है जिसके गाने मैंने नहीं गाए। बॉलीवुड सिंगर हो, लोकल सिंगर हो, मेल हो, फीमेल हो, तमाम कुल मिला के 1400 गाने हैं। आप कोई भी उसमें रामपाल डोगरा लिख सकता है, उसको स्टार मेकर को खोल के सुन सकता है मेरे गाने। और इसमें कोई लगभग मेरे जो है 10 लाख फॉलोअर हैं। नमस्कार, संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस बार एक बार फिर से हम एक और हस्ती से रूबरू करवाने आपको जा रहे हैं। आपको पता है आजकल आपका बहुत फेवरेट हो रहा है संडे स्पेशल, हम जानते हैं कि इसको आप बहुत प्यार से देखते हैं और बहुत कमेंट भी आपकी तरफ से आते हैं, शेयर भी बहुत सारा करते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम को लेकर अपना प्यार बनाए रखिए। और आपको पता है इस प्रोग्राम के तहत आज हमने अपने पीपी न्यूज लाइन के स्टूडियोज में दावत दी है। आज जाने माने राइटर हैं और इनके बारे में बताऊं कि बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और एक चीज और खूबी, ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। मतलब तीन तीन क्वालिटीज इनमें है। तो चलिए इनसे मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं रामपाल डोगरा जी की, बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में है। रामपाल सर आपका स्वागत। नमस्कार। रामपाल सर, जैसे आप राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, आप इन तीनों में से पहले क्या है? मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं लिसनर ही हूँ। अरे क्या बात है जी। रेडियो लिसनर था, बाद में एक शौक पैदा हुआ राइटर का, एज ए राइटर लिखने का शौक पैदा हुआ। तो शुरू में मैंने गीत लिखना शुरू किया, नज़में लिखना शुरू की। ये मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, श्रीनगर की बात है। तो वहाँ मैं पोस्टेड था, तो ये शौक मुझे वहाँ पैदा हुआ। तो मैं ज्यादा रेडियो लिसनर था, क्योंकि जो सुनता है शायद वो थोड़ा बहुत परफॉर्म नहीं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक अच्छा वक्ता तभी बन सकता है अगर आप अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि आप सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और रेडियो लिसनर होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा आप राइटर भी हैं, आप किस विधा में आपने ज्यादा लिखा? मैंने शुरू तो मैंने हिंदी में लिखा, और हिंदी भी बाद में भी लिखा मैंने, लेकिन उसके बाद डोगरी पे आया। डोगरी मेरी मातृभाषा है, उसके वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसका स्टॉक हमारे दिमाग में ज्यादा होता है, वोकैबुलरी ज्यादा होती है। बिल्कुल, चेड़ी साड़ी अपनी मुंह बोली भाषा होती ना, उसी हस्पु लिखे नहीं सकते। उसी हस्पु लिख नहीं सकते, बिल्कुल सही गल आपकी तुसे। और डोगरी जड़ी है ना, वो साड़े रस्सी वस्सी है, साड़े खून च है, जीन्स च है, खून च है, जिधर जाओ उधर डोगरा लभदे, जिधर जाओ उधर। कितनी खुशी होती जिसले अपने लभदे है ना, बड़ी खुशी होती, उसी आप बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। ते डोगरा सर, तुस साड़े स्टूडियो च आए दे, एदे कोला पहले मैं बड़ी सारी गल्लां करां तुहाडे बारे च जाना, तुस ए दस्सो जी अज तुस सानू पहले सानू की सुनागे? पिछे मेरी पिछले साल एक एल्बम आई ही जिहदा नां है हिरखे दा गीत, वो मैं डॉक्टर दीपाली बादल कन्ने मैं गीत गाया हा ड्यूट, और उसी और बाद जो वीडियो बने बाद में जरा वो अपने रामपाल डोगरा ऑप्शन पर अपलोड भी होया, कोई भी उसी सुन सकता है। बड़ा गै प्यारा गीत बने दा, तो मैं ओदी एक लाइन जो पढ़ सकता हूँ। कोई रिखे दा गीत सनाड़िए, कोई इरखे दा गीत सनाड़िए, मेरे सुते दे पाग जगा मड़िए, कोई इरखे दा गीत सनाड़िए, तेरे बोल गे मिठड़े लगदे न आ, तेरे बोल गमिटड़े लगदे न, मिगी इरखे दरसता दस दे न। जी जी, वैसे ही वाकई ये गीत इतना ज्यादा खूबसूरत है रामपाल जी, तो देखिए इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। हाँ, रियाज करता मैं सुबह लगभग 1.5 से 2 घंटा, तो रियाज के बाद उसके बाद फिर मैं स्टार मेकर पे आ जाता हूँ। अरे हाँ, मैंने आपको स्टार मेकर पे बहुत बार देखा जी, आपका पैशन है। तो स्टार मेकर पे आपने अभी तक कितने गाने गाए? बहुत सारे लाइक्स भी मिलते हैं मेरे गाने समय मैम, कोई 1400 के आसपास है, 1400 जी। और कोई सिंगर ऐसा नहीं है जिसके गाने मैंने नहीं गाए। क्या बात। चाहे बॉलीवुड सिंगर हो, लोकल सिंगर हो, मेल हो, फीमेल हो, तमाम कुल मिला के 1400 गाने हैं। आप कोई भी उसमें रामपाल डोगरा लिख सकता है, उसको स्टार मेकर को खोल के सुन सकता है मेरे गाने।
उसमें इतने चल रहे हैं और इसमें कोई लगभग मेरे जो है 10 लाख फॉलोअर है। 10 लाख फॉलोअर, क्या बात। तो सर देखिए, जैसे आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप ये बताइए, जैसे आप राइटर हैं, सिंगर हैं और उसके बाद जर्नलिस्ट भी हैं, तो मतलब जर्नलिज्म में किस तरह रुझान हुआ आपका? जर्नलिज्म का मेरा रुझान ऐसे बना कि मैं काफी एनजीओ के साथ एसोसिएट हूँ, बहुत सारी एनजीओ जम्मू, मतलब आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं? जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो रुझान मेरा तो ज्यादा काम जो उसमें मैंने देखा कि ज्यादा उसमें जर्नलिज्म का काम है, उसको रिपोर्ट्स इकट्ठा करनी, कंपाइल करना, फोटो लेना, लोगों से मिलना, ये सारा एनजीओ का काम होता है। तो मैंने कोई 120 नुक्कड़ भी लिखे और खेले। अरे क्या बात, एनजीओ के माध्यम से। तो मेरा रुझान इसकी ओर ज्यादा आ गया, क्योंकि खास करके पत्रकारिता जो होती है वो पहले कुछ दूसरी थी, आजकल थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई, डिजिटल हो गया जमाना। उस समय थोड़ा सा जो है वो पेपरिक था, ठीक है, अभी प्रिंट मीडिया चलता है। तो उसमें यह है कि जब मैंने इस तरह रुझान मेरा हुआ तो मेरा कुछ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा, तो दिन को मैं ये काम कर लेता हूँ पत्रकार, तो शाम को मैं रिपोर्टें लेके कंपाइल करके फिर हर आदमी की जिसकी भी रिपोर्ट है बना के फिर सेंड कर देता हूँ पेपरों में। अरे क्या बात है, देखिए आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है रामपाल डोगरा जी। देखिए बहुत सारी बातें करनी, गीत भी आपसे सुने हैं, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्वागत संडे स्पेशल कार्यक्रम में, और आज इस कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छे राइटर, सिंगर, जर्नलिस्ट, बिल्कुल हमने डोगरा सर, रामपाल डोगरा सर को अपने स्टूडियोज में दावत दी है। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रोग्राम की तरफ। सर आपका एक बार फिर से स्वागत ब्रेक के बाद। एक ऐसा करते हैं ना, अब एक बार फिर से ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं गाने की। इस बार आप हमें क्या सुनाएंगे? बिल्कुल क्या सुनाएंगे? बिल्कुल मैं डोगरी गीत आपको, पहले तो मैंने अपना लिखा हुआ आपको सुनाया और अभी मैं दर्शकों को सुनाता हूँ एक जो कॉमन आम लोग गाते हैं तो हमारे डोगरी में गीत में उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक लाइन सुना। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएगा सर, सुनाएगा। मेरी ये जी जाने हो, मेरी ये जी जाने कि करेंगी बूर पिया, ओ मेरी ये जी जाने कि करेंगी बूर पिया, ओ मेरी किस्मत दा लिखिया दूर गया, मेरी ये जी जाने कि करेंगी बूर पिया। वाकई ये मतलब ये भी बहुत मुश्किल गाना है, थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है क्लासिकल टच है, थोड़ा सा क्लासिकल। तो ये बताइए कि बहुत सारे दर्शक, जब बच्चे जैसे आजकल की न्यू जनरेशन है एकदम अपने जब स्क्रीन पर आती है तो मतलब सीखा नहीं होता, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं कि क्लासिकल कितना जरूरी है? ये बात आपने बहुत अच्छी की, और खासकर जो युवा है, जो न्यू कमर्स है, उनके लिए यही कहूंगा कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर भी सीख सकते हैं। वो कैसे? YouTube खोलिए, हम क्लासिकल कैसे सीखें, हम रियाज कैसे करें, खाली इतना टाइप करना है आपने, तो तमाम वीडियो जो है दुनिया भर की वो आपके सामने आ जाएंगे। गूगल आजकल गुरु हो गया हमारा। हाँ, जी गूगल, यूट्यूब में सारा सब कुछ है। गूगल में चले जाइए, यूट्यूब में चले जाइए, फिर आपने सुबह सारे गमा पादानी से जरूर जो सुबह कम से कम आधा घंटा जरूर स्टार्ट करिए, लेकिन उस रिदम को तोड़ना नहीं है आपने, आपने रेगुलर उसको करना है रोज। एक जैसे आप योगा करते हो वैसे आपने वो थोड़ा सा करना, वो होता है योगा गले का योगा, हम शरीर का पूरे का योगा करते हैं। तो अगर आप ये कंटिन्यूटी में करोगे, आपकी आवाज में वैसे इंतहा जो है वो चेंज आएगी।
ठीक है। और ऐसे होता है कि हम बहुत तनाव में रहते हैं, देखिए आजकल इतना लाइफ इतनी हेक्टिक है कि हर इंसान तनाव में है, तो गीत संगीत आर्टिस्ट एक ऐसा माध्यम है कि थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसके जहन में संगीत नहीं है वो इंसान ही नहीं है। वो समझो कुछ भी नहीं है, इंसान तो है लेकिन ना के बराबर है। क्योंकि हमारे अंदर इतना कचरा दिमाग में भरा रहता है दिन भर, कहीं भी जाओ कोई ना कोई आदमी आपको कहानी सुनाएगा, अपनी सुनाएगा और चला जाएगा, घर चला जाएगा, हमारा मन जो है बहुत उदास रहता है। तो अगर आपने अपने आप को सेट रखना है अपने, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं, और मन जो है तभी सही हो सकता है अगर संगीत को अपना दोस्त बनाओ। संगीत जरूरी है, खाना पीना जितना जरूरी है इतना संगीत भी संगीत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है जी। तो बिल्कुल संगीत को हमें अपने साथ शाना बशाना लेकर चलना है जी। तो देखिए चलते चलते वक्त भी हुआ जा रहा है, चलते चलते आप हमें कोई खास गाना सुनाना चाहते जो आपके दिल के बहुत करीब है। आज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1400 गाने मैंने खुद गा दिए हैं, तो मुझे मैं आप मुझे कहोगे कि कौन सा गाना सुना तो मुझे शायद चलिए जो भी आप चलो मैं ऐसे एक दो लाइन ऐसे जो मन में आ रही मैं आपको सुना देता हूँ। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम के एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे क्या बात है रामपाल भुगड़ा जी, बहुत बहुत खूबसूरत गाया, और आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतने सुंदर गीत सुनाए और बहुत अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आप देख रहे थे संडे स्पेशल कार्यक्रम, और संडे स्पेशल कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई रामपाल भुगड़ा जी से, उनसे बहुत मीठे गीत भी सुने, बहुत अच्छे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और गाते भी बहुत खूबसूरत हैं। और हमें पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट करेगा, शेयर करेगा उसको ढेर सारा, और अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।